मुख्यमंत्री यमुनानगर में स्वास्थ्य से जुड़े कई योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी जिला कार्यालय यमुना कमल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं व अपने समस्या लेकर आए लोगों से मिलना था, लेकिन इस बीच अव्यवस्था होने के कारण मुख्यमंत्री ज्यादा समय नहीं रुके और बिना लोगों से मिले ही वहां से चले गए। भारतीय किसान संघ के प्रदेश संगठन सचिव रामवीर चौहान ने बताया कि वे सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वहां पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी पहले से ही चंडीगढ़ से लिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है, जिसके बाद भारतीय किसान संघ ने अब मुख्यमंत्री का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। कल भारतीय किसान संघ को पता लगा था कि भी सीएम साहब यमुनानगर में आ रहे, तो हमने चंडीगढ़ फोन किया। इनके एसडीएम भूपेश्वर दयाल जी ने फोन किया जिला अध्यक्ष पे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जिला अध्यक्ष से बात कर लेना। मैंने सुबह जिला अध्यक्ष जी से बात करी, वो बोले भाई बीजेपी के कार्यालय में आएंगे सीएम साहब, आप को यहाँ मिला देंगे। हमारा कोई किसान संघ का पर्सनल मुद्दा नहीं था भाई, हम निजी स्वार्थ के लिए आ रहे थे भाई, हमने नौकरी मांगनी थी या कोई लाइसेंस मांगना था। किसानों के 5-6 मुद्दे थे, एक तो यमुनानगर में सभी जो खाद होल्डर हैं 1000 दुकानें हैं, इनको चोर घोषित कर दिया इस हरियाणा के कृषि मंत्री और डीडीए ने, जबकि कोई भी यहाँ पे डीडीए की पोस्ट खाली है, एक कंट्रोलर होता है इनका, उसकी पोस्ट खाली है 6 महीने से, यहाँ दोनों अधिकारी नहीं, लेकिन एडिशनल चार्ज है प्रति मील पे, उसकी मनमानी चल रही, किसी भी प्राइवेट डीलर पे खात नहीं और किसान परेशान है। एक मुद्दा हमारा ये था, एक पूरे जिले में अवैध खनन चल रहा है, जिसके कारण गांवों की गलियां और फिरंडी टूट चुकी है। एसपी साहब को भी शिकायत दे ली, बीज साहब तक भी पहुँचाई दी, अखबार के और आपके माध्यम से भी ये मुद्दा पूरा हाईलाइट है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, लोग परेशान हैं। दूसरे हमारे जो बिजली की समस्या है, अब खेती में पानी की जरूरत है, अभी 10 घंटे बिजली की सप्लाई हमारे को दिया जाए, एक अपना ये मुद्दा था। 5 मुद्दे हमारे थे जी, एक जो कोऑपरेटिव बैंक है वो किसानों से ब्याज वसूल रहे, जबकि सरकार ने माफ़ किया हुआ है, वो 7% से 3% तक का ब्याज वसूली कर रहे, जो कि सरासर गलत है। किसानों के मुद्दे लेके आए थे और यहाँ पे किसानों की बेइज्जती करी गई, बुला के उनको जूते मारे गए। आने वाले समय में पूरा किसान वर्ग इनके खिलाफ खड़े होगा और जहाँ भी ये जाएंगे इनका पुरजोर विरोध करेंगे। यमुनानगर से रजनी सोनी की रिपोर्ट, युग मार्ग टीवी।